predominantly, overwhelmingly Indian cricket fans in Ahmedabad. How are you and your players dealing with that kind of pressure, and how do you think that's going to impact your game? This is not a pressure because we are playing before a lot of time in a large crowd, front of the big crowd in MCC and all the big stadiums. Yes, they are also a big stadium. And yes, all sport, I think Ahmedabad is only blue. So if Pakistani fans are allowed, so good to for good for us. So they are also help support us. But to be honest, when we are arrive in Hyderabad, so I feel there are a lot of supporter our Pakistan team, and I expect that here, and we're looking forward to the match. Babar, good afternoon. Just taking a cue from your last answer, in this tournament there have been 6-7 high scoring, like 350 plus scores, and when pace is one of your strengths, what is the conversation do you have on surfaces like this, which kind of get challenging for the fast bowlers? Any conversations that you've had with the Shaheen and others? Look, यहाँ पे जो जितने भी मैचेस हो रहे हैं हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं और आई थिंक द मार्जिन ऑफ बॉलर इज वेरी लेस इफ यू आर बॉलिंग आउट ऑफ द स्टम्प्स सो मार्जिन इज लेस फॉर बॉलर्स सो आई जस्ट आस्क माय बॉलर्स टू जस्ट हिट द लेंथ एंड बॉल स्टम्प टू स्टम्प्स या दैट्स इट हेलो बाबर कल की मैच के लिए भारत के कौन से बैट्समैन और कौन से बॉलर आपके लिए चैलेंजिंग लगते हैं आपको चैलेंजिंग देखें चैलेंजिंग तो पाकिस्तान इंडिया का मैच ही है ये नहीं है कि मेरे ख्याल से आप सब और पूरी जो फैंस और पूरा जो पाकिस्तान इंडिया वो इस चीज इस मैच का वेट कर रहे हैं तो हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं आई थिंक दोनों तरफ कोशिश ये होती है कि जो बेस्ट किया जाए बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि जो उनके टॉप ऑर्डर है उनको देखा जाए कि कैसे हमने उनको आउट करना है और हम कोशिश करते हैं कि अगेंस्ट बॉलर्स रन्स कैसे करने हैं तो मैटर करता है कि ऑन द डे हम अपना बेस्ट गेम खेलें आप देखें प्रेशर हैंडल बिल्कुल आपकी सही बात है एक्सपीरियंस से आती है जितना आपको जितना आप इन इस चीज़ में से गुजरते हैं आपको पता है कि कैसे हैंडल करना है एज अ यंगस्टर आप थोड़ा सा फील करते हैं कि जब मैं पहली बार खेला था तो बड़ा प्रेशर था तो लेकिन ग्रेजुअली आप जैसे खेलते हैं आप सीनियर प्लेयर के साथ शेयर करते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि इस तरह खेलना है या इस तरह प्रेशर को हैंडल करना है तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है कोशिश यही होती है कि जो भी यंगस्टर या टीम को पॉजिटिव मैसेज दिया जाए बिल्कुल इज़ द गेम बट बिग गेम पाकिस्तान इंडिया मैच उसको हैंडल कैसे करना है अपने आप को जितना काम रखोगे बॉल टू बॉल जितना आप देखोगे सिर्फ एक चीज़ ये है कि जब फील्ड के टाइम आप बॉल को देखें और बैटिंग के टाइम बस बॉल एट अ टाइम देखो और दैट्स इट ज़्यादा चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ ये है कि अपने आप को जितना फोकस रखेंगे उतना प्रेशर कम आएगा बाबर आपने ऑन फील्ड डिसाइड बाबर आपने ऑन फील्ड प्रेशर की बात करी कैसे डील करते हैं ऑफ फील्ड कैसे डील करते हैं इट्स अ बिग मैच बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कह रहे हैं आपको जीतना है 7 का आंकड़ा जो है वो ठीक नहीं है वो हाउ डू यू डील विद दैट इस चीज का तो नहीं बस बहरहाल टिकटों का बहुत आया वो बेसिकली आपको पता है कि ये हमेशा इसी चीज़ पे लोग फ़ोन करते हैं टिकटें मिल जाएँ या ये इस चीज़ का प्रेशर देखें प्रेशर इस चीज़ को हम लेते नहीं हैं बिल्कुल हम पिच पास में जो है वो हमने एग्जीक्यूट कर पाए लेकिन हमने 2011 और 2019 में चेंज किया वर्ल्ड कप में हमने इंडिया के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल की है और ये भी पहले नहीं हुआ था लेकिन हुआ अब तो ये इसी पे हम बिलीव रखते हैं कि कर सकते हैं हमने करके भी दिखाया और कल यू नेवर नो
लेकिन हमारा बिलीव है कि हम कर सकते हैं और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हम जाएंगे, बस ये कि ऑन द डे हम अपना बेस्ट दें। Babar, this is Sakshi from CNN News 18. Since you are here in Gujarat, let's change the mood a little bit. Did you try Gujarati food here? Yes, we are tried, but in the hotel we are not going outside right now. Hi, Babar. यहाँ पे जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, वहाँ पे देखा गया था कि सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग काफ़ी ईजी हो गई थी. आप लोगों ने एक ट्रेनिंग सेशन भी की थी कल शाम में, क्या ड्यू थी और आपको लगता है टॉस एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कल? आई थिंक इस जितने भी मैच देखे हैं टॉस वाइटल है, क्योंकि अंडर द लाइट्स काफ़ी अच्छा पिच बिहेव करता है. बिल्कुल ड्यू थी थोड़ी सी, लेकिन आई डोंट नो अभी मैच रेफरी या अंपायर से पूछेंगे कि स्प्रे होगा कि नहीं होगा फॉर ड्यू, बट लास्ट नाइट ड्यू थी. अंडर द लाइट्स बेहतर खेलता है. हाय बाबर. हेलो. ये ऐसा मैच होता है कि आपके देश में लोग कहते हैं यार कहीं भी हार जाना हिंदुस्तान से मत हारना, और हमारे देश में बोलते हैं यार कहीं हार जाना पाकिस्तान से मत हारना. तो ये ऐसा मैच है कि कप्तानी चली जाती है, तो इस बात का प्रेशर कितना होता है और आपका खिलाड़ियों को अपनी टीम मीटिंग में क्या आप मैंडेट देते हैं, उनको क्या कहना है? सर एक बात, मैं इस चीज़ पे कभी वो चीज़ नहीं करता कि इस मैच की वजह से मेरी कप्तानी चल जाएगी. अल्लाह ने जितना मेरी लिखी है उतना मैं करूँगा, जितना मेरा अल्लाह पे बिलीव है उतनी मुझे मिलेगी. मुझे एक मैच की वजह से या कप्तानी मिली नहीं है या एक मैच की वजह से मुझे मेरी जाएगी नहीं, मेरा इस पर बिलीव है. कॉन्फिडेंस यही है कि जिस तरह हमने 2019 में खेला था T20 में या अभी वर्ल्ड कप में भी, जस्ट ये है कि सिंपल प्लान्स के अपने आप को बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बेस्ट अपना गेम एग्जीक्यूट करने का मौका है, आप जाके एग्जीक्यूट करें और मेन चीज़ इस चीज़ को एंजॉय ज़रूर करें. बाबर, आपका खुद का रिकॉर्ड अभी तक ODIs में इंडिया के खिलाफ उतना अच्छा नहीं रहा है, क्या एक किस्म की बॉलिंग है इंडिया की जिसके खिलाफ आपने थोड़ी स्ट्रगल करी है, एंड क्या ये चीज़ आपके जहन में है ये मैच के पहले कि आपका खुद का रन? मेरा इस वर्ल्ड कप में राइट नाउ अभी तक वैसा जैसा खेलना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में आपको डिफरेंट नज़र आएगा. अगेंस्ट इंडिया देखें, हम ओनली जो हैं वो वर्ल्ड कप में ही एक दूसरे के सामने आते हैं, तो वो काफ़ी गैप है. तो ये चीज़ नहीं है कि किसी बॉलर की वजह से या किसी मैं कहता हूँ कि मैं अपनी मिस्टेक की वजह से कभी कभार आउट होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कम से कम मिस्टेक की जाए. बाबर बाबर एशिया कप में हमने देखा कि फील्डिंग जो है वो पाकिस्तान की एक मेजर प्रॉब्लम है, कल आपकी पूरी